कभी कभी मन करता है शहरों के इन शोर शराबों से दूर कहीं पहाड़ों में जाके बस जाऊं, थोड़ा खुद के साथ समय बिताऊं और खुद को ढूंढने की कोशिश करूं। आज इस वर्चुअल ट्रिप में मेरे साथ आप सभी को लेके चलता हूं ऐसे ही एक जगह पे, प्रेजेंटिंग यू द झांडी फॉरेस्ट कैंपिंग एंड हट्स। If you are new to this channel, please like, subscribe and turn the notification bell on so you can watch all the upcoming videos before anyone else. So, अभी हम लोग जा रहे हैं गोरुपथन का जो ब्रिज है उसकी तरफ। पानी का बहाव उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि ये विंटर है। So, झांडी के रास्ते में यहाँ राइट हैंड साइड में आपको एक छोटा सा मॉन्स्ट्री जैसा मिल जाएगा। मैं बहुत सारे वीडियोस में देखा था, ये जो छोटा सा पहाड़ है ना मुझे बहुत पसंद है। रास्ता तो बहुत ही ऑफ रोड है, खतरनाक एकदम। चलो कोई नहीं, ऐसे रास्तों में ही तो एडवेंचर है। बहुत सारे जंक्शंस है तो गूगल मैप देख के ही आप लोग जाना, नहीं तो अगर गलत रास्ते पे चले गए तो बहुत दूर चले जाओगे। बहुत ही रिमोट एरिया है। पूरे रास्ते में हमें बस दो ही इंसान मिले और एक गाड़ी बस। अभी हम लोग जिस जगह से गुजर रहे हैं उस जगह का नाम है साइलेंट वैली। तो यहाँ पे साइलेंट रहने में ही भलाई है वरना फाइन लग सकता है। ओह बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं और बस 1 किलोमीटर दूर है। शानदार नज़ारा है यहाँ से। ओ माय गॉड ब्यूटीफुल। हमारा जो कैंप है वो थोड़ा आगे है और रास्ते का हालत देखा दोस्तों खतरनाक रास्ता है। लेकिन रोंगों में तो सिर्फ 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर था, यहाँ पे तो कब से चला जा रहे हैं, खतरनाक रास्ता है सब। ओ माय गॉड पप्पू पास हो गया, फाइनली वी हैव रीच्ड। दिस इज ओनली द झांडी फॉरेस्ट कैंपिंग। ओह दिस इज आवर कैंपिंग साइट। सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू द झांडी फॉरेस्ट कैंपिंग स्पॉट। तो ये है प्लेस, वहाँ पे ऊपर में सारे जो हट है और जो टेंट्स है वो लगाया हुआ है। हम लोग ऊपर जाएंगे, उससे पहले आप लोगों को मिलवा देता हूँ आज मेरा राइडिंग पार्टनर शुभजीत, माय कॉलिग माय ब्रदर। और शुभजीत के चैनल का भी नाम है क्या है, शुभजीत दत्त ओनली? मेरा नाम ही है अच्छा शुभजीत का खुद का ही नाम दिया हुआ है शुभजीत दत्त। सो यू चेक आउट हिज चैनल ऑल्सो, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। पूरा हाथ मेरा जम चुका है, बहुत सारे फ्लैग्स यहाँ पे लगाए हुआ है। और ये है स्पॉट, फ़ोन नंबर वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे। और जो ओनर है वो अभी नीचे आने वाले हैं, उसके बाद बाइक को यहाँ पे पार्क करके हम लोग चले जाएंगे ऊपर। सो हियर आर द ओनर्स, अभिषेक भैया, आपका नाम भैया? दीपेश। मेरे साथ आपने बात किया था? ओह अच्छा अच्छा, हाय। मुझसे बात किया था ना आपसे? हाँ। अभी दीपेश भैया का जो बाइक है वो भी यामा का है, हम लोगों का भी है MT-15 यामा का। तो भैया ही हमारा बाइक का पार्किंग कर दे रहे। लेट्स गो टू द टेंट और हट। देखिए आज कोई भी गेस्ट नहीं है, मैं कभी भी जाता हूँ कहीं पे तो उस दिन मतलब फॉर्चुनेटली कोई गेस्ट नहीं होता है। आज भी यहाँ पे कोई गेस्ट नहीं है तो अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और ऑप्शन हमारे पास था कहाँ पे हम रहना चाहते हैं, कैंप या फिर हट, तो हम लोग हट में रहेंगे। ब्यूटिफुल। सो अभी हम लोग हट के अंदर आ चुके हैं, बहुत ही छोटा सा बहुत ही सुंदर सा हट है। अभी चेंज कर लेते हैं उसके बाद ऊपर जाएंगे क्योंकि लंच करना अभी बाकी है, लंच करेंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सो ऊपर वहाँ पे है डाइनिंग प्लेस जहाँ पे गाना चल रहा है और ढेर सारे टेंट्स यहाँ पे लगाए गए हैं। और दो हट है, एक है ये और एक है ये, हम लोग इस वाले में रहने वाले हैं। दोनों सर आपको नाम पूछ रहे हैं, बता दो। अरे मेरा लेग नहीं खाना है भाई, नाम बता अपना।
और ये शुभजीत सर आपको नाम पूछ रहे हैं, बता दो सर को नाम क्या है आपका। मुर्गा बना देंगे कुत्ते से, जल्दी नाम बताओ, नाम क्या है? यहाँ टेंट के बीच में एक झूला भी है, अभी मैं झूल रहा हूँ झूले पे। सुबह सुबह अगर आप यहाँ पे आओगे ना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ से ना जो सनराइज है बहुत ही अच्छा दिखता है। सामने थोड़ा बहुत दिख भी रहा है कि उधर में अभी सनसेट हुआ है, थोड़ा थोड़ा लाइट अभी भी बाकी है सन का। और सुबह सुबह जब सनराइज होगा यही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। देखो आर्न तो सभी करते हैं, हम लोग काम करते हैं कुछ मनी अर्न करने के लिए, अच्छे से रहने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ट्रैवलिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे ना क्या होता है आपका जो वर्कलोड होता है ना उससे आपको एक ब्रेक मिलता है, रिफ्रेशमेंट मिलता है। और इसीलिए मैं नए नए जगह पे जाता हूँ, आप लोगों के लिए नए नए जगह ढूंढता हूँ जहाँ आप लोग भी मेरी तरह जा पाओ और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर पाओ। वहाँ पे एक वॉशरूम है, आप उधर भी जा सकते हो, ये कॉमन वॉशरूम है सभी के लिए, और हट के अंदर तो अलग से सेपरेट वॉशरूम है ही। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम झंडी फॉरेस्ट कैंपिंग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:40 और लोग नींद से उठ गए, और यहाँ का यह है कुछ नज़ारा। सामने जो पहाड़ है वो ऊपर से अच्छा दिखता है, अगर आप जो ऊपर टेंट्स वगैरह है वहाँ पे रहेंगे ना तो बहुत ज़्यादा क्लियर दिखेगा पहाड़, कंचनजंगा भी दिखता है यहाँ से। लेकिन हम लोग इस हट में थे तो इस हट से व्यू उतना अच्छा नहीं है क्योंकि सामने थोड़ा फॉरेस्ट है, इसलिए उधर पे हमारा बाइक रखा हुआ है। सो आप लोग आने से वो है पार्किंग एरिया, सो मॉर्निंग का टी आ चुका है यहाँ पे, अभी हम लोग बैठेंगे यहाँ पे चाय पियेंगे। और ये जो डाइनिंग प्लेस है ना यहाँ से देखो व्यू, बहुत ही खतरनाक व्यू है, वहाँ पे दूर वो कंचनजंगा दिखता है यहाँ से। और यहाँ पे है अपना बड़ी कोको, हे कोको। तो चाय के साथ साथ हमारे साथ है यहाँ का ओनर दीपेश भैया। हेलो गाइस। सो भैया कितना दिनों से आप यहाँ पे ये कैंपिंग चला रहे हो? यहाँ पे लगभग 1 ईयर हो चुका है। तो इधर का मतलब जो मेन व्यू है वो कंचनजंगा है, बहुत सुंदर व्यू है। और मतलब रेट्स वगैरह क्या क्या है एक बार बता दीजिए सबको। तो मतलब हम लोग का जो ट्रिप प्लान है ऐसा है कि मतलब अगर आप लोग 5 पीपल से थोड़ा ज़्यादा आएगा तो आप लोग को 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग का टैरिफ प्लान है 1200 पर हेड, और अगर आप लोग मतलब 5 to 6 पीपल आ जाएगा 5 से अबव तो आप लोग को सिर्फ 1000 हो जाएगा आप लोग को डिस्काउंट मिल के। तो ऐसा कुछ हम लोग का 1200 जो है वो हट के लिए या टेंट के लिए, अब दोनों सेम ही है? मतलब नहीं नहीं मतलब जो हट का है वो 1200 है। अच्छा, जो हम लोग का टेंट है वो 1000 है इंक्लूडिंग ऑल मील्स। अच्छा। और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बॉनफायर भी होगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। बारबेक्यू के लिए एक्स्ट्रा लगेगा? बारबेक्यू का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। और यहाँ पे मतलब आने के लिए जो कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन, वो आप लोग क्या कुछ पिकअप ड्रॉप का बंदोबस्त कर सकते हो? हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं कैब अगर आप लोग को चाहिए होगा तो। कहाँ से? नियरेस्ट गोलबथन? नहीं, अगर बागडुगरा से भी हम लोग प्रोवाइड कर देता है, और ये न्यू माल जंक्शन गोलबथन, ये शेयर कैब, ये सब कुछ हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। गेस्ट लोग को सनराइज दिखाने लेकर जाता है हम लोग सुबह में, सनराइज हो गया और यहाँ से लावा जो इस तरफ है दिखाई, उस तरफ ऐसा कुछ लैंडस्केप थोड़ा आगे सुनताले जाके दिखने मिल जाएगा, जैसे कि पूरा वाइट व्यू दिखेगा और यहाँ से डायरेक्ट ये कंचनजंगा का व्यू हुआ ऐसे ही। थैंक यू भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ कल रात आप लोगों ने देखा कि एक गाना बज रहा था, ये है वो स्पीकर। यहाँ पे नाइट कैरियोके भी होता है, अगर आप लोग गाना पसंद करते हो तो आके खुद भी गा सकते हो यहाँ पे, और उसी के साथ साथ स्क्रीन भी है। वो अदर फुटबॉल लवर और एनी अदर स्पोर्ट्स इवेंट और एनीथिंग इज गोइंग ऑन तो प्रोजेक्टेड वो लोग कर देते हैं, तो आप उसका भी मज़ा ले सकते हो यहाँ पे। उसके साथ साथ हाइकिंग भी यहाँ पे होता है,
वो लोग आप लोगों को साथ में लेके जाएंगे हाइकिंग के लिए नियर बाई जो हिल्स है वहाँ पे। कल रात हम लोग तो थे एक्चुअली हट में, सो ये है इधर का टेंट। मैं दिखा देता हूँ आपको क्या फैसिलिटी टेंट के अंदर मिलता है। कहा इसका चेन ये है, सो ये है यहाँ का टेंट आप देख सकते हो। तो इधर में कुशनिंग अच्छा दिया हुआ है नीचे, उसके साथ ही पिलो और ब्लैंकेट सभी मिल जाता है। और ये टेंट जो है डेकेथलॉन का है, तो इसका क्वालिटी बहुत ही हाई है। हम लोग जब रोंगो में थे ऐसे ही टेंट में थे, तो ठंडा नहीं लगता है इस टेंट में। अनदर ब्लॉगर शुभजीत दत्त टेंट के अंदर घुस गया, वो टेंट का भी थोड़ा मजा ले लेते हैं ना। वुड में कुछ लिखा हुआ है, कोटेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। उसी के साथ साथ लामा फ्लैग से डेकोरेट किया गया है जगह को। और यहाँ पे आ चुका है गर्मा गर्म मैगी सुबह का, अभी हम लोग मैगी खाएंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे टुवर्ड्स पापड़ खेती। राइट नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर हट, अभी बैग पैक करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। अभी सुबह के बज रहा है, कितना बज गया, 10:40। इफ यू आस्क अबाउट माय रिव्यू, जगह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब रिमोट एरिया में है। अगर आप आना चाहते हो दोस्त लोगों के साथ तो ज़रूर आ सकते हो, यू विल एंजॉय। चलो झंडी जंगल कैंप, बाय बाय। आज के लिए शुभजीत बाइक चला रहा है, कल मैं बाइक चला के लाया था, आज उसको भी थोड़ा ऑफ रोड टेस्ट करने का मौका मिल गया है। तो अभी चलते हैं और रास्ते में आप लोगों को दिखाते चलेंगे नज़ारे, बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, तो इन सब का मज़ा लो। यहाँ का रास्ता कभी इंक्लाइन कभी डिक्लाइन, वेदर तो बहुत ही अच्छा है, स्काई एकदम ब्लू उसके साथ क्लाउड, और यहाँ पे है ऑफ रोड। तो रास्ते में हम लोग को एक मॉनेस्ट्री दिखा, इसलिए हम लोग फिर से रिटर्न आ गए। यहाँ राइट साइड में ऊपर है मॉनेस्ट्री। तो यहाँ पे खिरपा गांव में मिल गए एक भाई साहिल बोल के, तो उनके घर पे हम लोग अभी आए हैं। इधर में आप देख सकते हो डले खोसरे, जो इधर का बहुत ही मतलब स्पाइसी चिली होता है, उसको सुखाया जा रहा है। और ये है उनका घर, पीछे वो कैटल वगैरह है। लेकिन आपसे मुझे एक चीज़ चाहिए, मुझे 2-3 डोले खुसरे चाहिए, हमारे घर में नहीं मिलते है। या, या, भी है, ओ अच्छा चाहिए, उसका ही प्लांट है ना, ये गाँच है इसका, वाओ डल्ले का गाँच है, डल्ले का ये पका नहीं है, पका नहीं है, पकने से ऐसा लग जाएगा मतलब। और ये उसका और सूखा वर्जन है, सूखने के बाद ऐसा होता है, ऐसा होता है, डल्ले का पूरा मेला लग चुका है इधर में, बॉटल के बॉटल डल्ले है। ये अचार नहीं बनाते, अचार बनता है तो, अच्छा अच्छा, इसी एक पेड़ से इतना सारा हुआ है, ओ अच्छा अच्छा। तो गिफ्ट मिल गया शेरपा विलेज से हमें डाले घुसरे, थैंक यू टू द एंटायर फैमिली। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं पापड़ खेती, और यहां से थोड़ा नीचे जाएंगे झरने की तरफ, और उसके बाद जाएंगे फिर बैक टू होम। तो यहां पे एक है हनुमान मंदिर, तो लास्ट टाइम मैंने जो गलती किया था जीवन में कभी मैं नहीं करूंगा वो, इस बार पहले जाके हनुमान जी को प्रणाम करूंगा उसके बाद जाऊंगा नीचे। सो ये है यहाँ का व्यू, ब्यूटीफुल व्यू। वहाँ पे पिकनिक, विंटर में पानी का भाव थोड़ा कम हो जाता है,
चारों तरफ बस पानी ही पानी। तो अभी मैं आ चुका हूँ पापड़खाती की झरने के एकदम बीच में, देख सकते हो। वाओ, तो यहाँ मोमो आ चुका है। मोमो बहुत ही डिलीशियस है यहाँ पर। तो अभी मैं चलाने वाला हूँ एमटी, कल भी चलाया था, आज इस रोड में चलाऊंगा। अभी हम लोग आ चुके हैं आई लव एमबी ऑफ स्पोर्ट्रेट के सामने। इधर सामने है गुरुवथन और इस तरफ है पापड़ खेती। हम लोग आ गए और दिस इज द एमबी ऑफ पोर्ट्रेट हेयर। सो हम लोग अभी खड़े हैं गुरुवथन से थोड़ा आगे जो फॉरेस्ट है वहाँ पे, और आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आगे दिखाने को है नहीं कुछ वैसे भी। और साथ में है शुभोजित दत्ता, उसका चैनल का नाम सेम ही है, सो मैं लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही जल्द आ रहा हूँ दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग वर्ल्ड ऑन व्हील्स।